नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अयादि संधि और आपकी पूर्व रूप संधि के विषय में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। परीक्षाओं की दृष्टि से ये दोनों ही संधियां ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए सीधा विषय पर आता हूं। अयादि संधि के लिए संस्कृत में एक सूत्र है जो पाणिनि ने इस संधि के लिए एक सूत्र बनाया है कि एचो यवा या वह। दोस्तों अगर आप इस सूत्र को समझ जाएं तो आप अयादि संधि को आसानी से समझ जाएंगे। सूत्र क्या कहता है कि आपका जो एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, आपका ए ओ ए और अ। तो एच प्रत्याहार के बाद यदि स्वर आए अर्थात कोई भी अच आए तो इन सभी वर्णों को क्रमशः अय अव आय और आका आव आदेश हो जाता है। अर्थात ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और अव को आपका आव आदेश हो जाता है। तो हम इसी सूत्र को उदाहरणों के साथ समझेंगे, ठीक है। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं हम यहां पे आपका नयन। नयन का जब हम विच्छेद करते हैं तो स्थिति आती है हमारे सामने ने प्लस अन। ने का जो अंतिम वर्ण है वो है आपका ए और उसके बाद आता है आपका स्वर। तो एच में ए है और उसके बाद स्वर भी स्पष्ट होता है तो ए के स्थान में आपका अय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारे सामने न प्लस अय प्लस अन। तो जब इसको हम पूर्ण रूप से संयोग करेंगे तो हमारे सामने नयन शब्द स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक दूसरा उदाहरण देखते हैं हम यहां पे हैं। पवन, पो जमा अन, ठीक है। अंत में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ओ है, ओ के बाद स्वर भी आ रहा है आपका तो ओ को अव आदेश हो जाएगा। तो स्थिति हमारे पे क्या बनी, प जमा अव जमा अन, ठीक है। जब पूरा संयोग करेंगे तो रूप बनेगा पवन स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसमें, नायिका, ठीक है। नायिका में है आपका, इसका जो हम विच्छेद करेंगे नई जमा इका, ठीक। नायिका अंतिम वर्ण आपका है आई, आई के बाद आपका स्वर है तो आई के स्थान में आपका आय आदेश हो जाएगा जैसे कि हमने सूत्र में आपको बताया है। तो स्थिति हमारे सामने क्या आएगी, न जमा आय जमा इका। और जब हम इसको पूर्ण रूप से संयोग करेंगे तो ना ही का शब्द हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात हमने इन तीन को यहां पे स्पष्ट कर दिया है। आगे एक और उदाहरण देखते हैं इसका, हम कहते हैं आपका तव अर्थात वेदो
अगच्छताम वेदो आए थे, तौज प्लस अगच्छताम तो स्थिति बनती है औ, औ आपका पूर्व पद के अंत में औ है, उसके बाद आपका स्वर भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा औ को आव आदेश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में त जमा आव जमा अगच्छताम, जब हम पूरी स्थिति को जोड़ेंगे तो तवा गच्छताम शब्द स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, अयादि संधि के लिए सूत्र है एचो यवा यावह, अर्थात एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए को अय, ओ को अव, ए को आय, ओ को आपका आव आदेश हो जाता है। ये इसके नियम है अयादि संधि के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आपने आपको मैंने अयादि संधि के उदाहरणों से स्पष्ट किया अयादि संधि को, एक बार पुनः देख लीजिए आप। जैसे हम मैंने बताया था ने जमा अन, तो उसको हमने बताया था नयन। वहीं पर जो अब यहां इस संधि में, अब मैं पूर्ण रूप संधि की ओर जा रहा हूं, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिए। एक स्थिति आपके सामने है हरे जमा अत्र, ठीक है। अयादि संधि का नियम क्या था कि ए को, एक बार मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, ए को अय, ओ को अव, आई को आय और अव को आव आदेश होता है, ठीक है। ए ओ आई अव के बाद किसी भी स्वर के आने पर उसको ये स्थितियां यहां पर बनती है, किंतु हरे अत्र में जो स्थिति बनती है वो बनती है आपके हरे जमा अत्र। आपने देखा होगा इस प्रकार का जो एक एस का चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं इसे? अवग्रह। तो अवग्रह चिन्ह यहां पर हरे अत्र में आ जाता है। हमने यहां पर पो प्लस अन को हमने पवन किया, किंतु जब हम लिखते हैं विष्णु प्लस अत्र तो विष्णु प्लस अत्र में विष्णोत्र बनता है, ना कि विष्णवत्र। तो ये ऐसा क्यों? इस चीज को समझने के लिए आपको पूर्व रूप संधि को समझना होगा। पूर्व रूप संधि में संधि का नियम है कि यदि पूर्व रूप संधि कहती है यदि पदांत शब्द ए और ओ से अंत हो रहा हो और उसके बाद अ ह्रस्व अ आए तो ऐसी स्थिति में आपका जो अ है इसको अवग्रह चिन्ह हो जाता है और बाकी स्थिति उसी प्रकार की यहां पे रहती है। अब इस सारी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पदांत शब्द का, कि हम पदांत किसे कहेंगे, पदांत शब्द किसे कहते हैं। पदांत शब्द दोस्तों समझ जाइए सुप व तिंग, अर्थात सुबंत और तिगंत शब्दों को हम पदांत कहते हैं। तो जो आपका सुबंत शब्द है
शब्द रूप और धातु रूप, यही आपके पदांतात्मक शब्द होते हैं। जो हमने वहां पर ने प्लस अन जो देखा, तो यहां पर जो आपका ने शब्द है, ने शब्द आपका पदांत नहीं है, पद नहीं है, क्योंकि वह ना ही शब्द रूप है और ना ही धातु रूप है। और उसके बाद ह्रस्व अ आने पे, इसलिए यहां पर ने के ए को अय आदेश हुआ। परंतु हरे के जो ए है, हरे शब्द आपका शब्द रूप है, हरि शब्द में हरे शब्द आता है, और उसके बाद ह्रस्व आ आने के कारण यहां पर पूर्व रूप संधि हुई है, ना कि अयादि संधि। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये सभी जो नियम आपको अयादि संधि और पूर्व संधि को काफी हद तक स्पष्ट करेंगे। यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या डाउट रहता है, तो आप उसे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।